हाय, मेरा नाम है डॉक्टर दानिया। आप मुझे डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से भी जानते हैं और आज है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, इसलिए हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आज हम सीखेंगे एक बॉलीवुड लव स्टोरी के थ्रू। आज हम एक हेट्रोसेक्सुअल लव स्टोरी का एग्जाम्पल यूज करते हुए सिंपल तरीके से समझेंगे कि किस किस तरह से हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं और वो किस किस तरह से काम करता है। शुरू करें। तो हम बेसिकली ये कहानी जानते हैं कि एक होता है लड़का और एक होती है लड़की। बीच में आता है एक विलेन जो इस प्यार को होने नहीं देता है। विलेन हमारा हुआ कॉन्ट्रासेप्शन, लड़का हुआ हमारा स्पर्म और लड़की हुई हमारी एग। इन दोनों के मिलने से बनेगा बच्चा और इन दोनों को मिलने से अगर हम रोक दें तो वो हो गया हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। इन दोनों का मिलना कैसे कैसे रोका जा सकता है? वो ये होगा कि लड़की को कमरे में बंद कर दो, लड़की को घर से निकलने ही मत। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका कॉन्ट्रासेप्शन का, यानी कि एग को रिलीज होने से रोक दे, यानी कि ओव्यूलेशन रोक दे। ओव्यूलेशन रोकने के लिए हम क्या करेंगे? हम यूज कर सकते हैं हॉर्मोनल पिल्स, वो यही करती है। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इंजेक्टेबल्स और हम यूज कर सकते हैं इम्प्लांट्स। ये सब अगर एग को रिलीज नहीं होने देंगी तो स्पर्म भला मिलेगा किससे? जब स्पर्म मिलेगा नहीं तो बच्चा बनेगा नहीं, तो कॉन्ट्रासेप्शन ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्टेप कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्यार होने को रोकने से, वो ये होता है कि लड़का लड़की घर के बाहर तो आ गए पर उन्हें मिलने मत दो, बीच में खड़ी कर दो एक बड़ी सी दीवार। दीवार कैसे खड़ी होगी? दीवार खड़ी करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो कॉन्डम या डायफ्राम। कॉन्डम्स भी दो तरह के होते हैं। कॉन्डम्स हो सकते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कॉन्डम मतलब जो पीनिस के ऊपर चढ़ाया जा सके। अगर आपने पीनिस के ऊपर एक कॉन्डम चढ़ा दिया तो जो स्पर्म जो फुलकता हुआ बाहर निकल रहा है ना अपनी माशुका एग से मिलने के लिए, वो स्पर्म लेटेक्स और कॉन्डम के जाल में फंस के रह जाता है और मिल ही नहीं पाता है एग से। इसको रिवर्स कर दें तो इसमें बन जाएगा इंटरनल कॉन्डम, यानी कि एक ऐसा कॉन्डम जिसे आप वजाइना के अंदर लगा सकते हैं। इसमें स्पर्म तो बहुत कूद के आ जाएगा एग से मिलने के लिए, पर एग के जैसे ही पास आएगा तो वहां देखिएगा एक बड़ी सी दीवार खड़ी हुई है, यानी कि इंटरनल कॉन्डम लगा हुआ है। इसी तरह से काम करता है एक डायफ्राम। डायफ्राम का काम ऐसा होता है कि वो आपके सर्विक्स के जस्ट नीचे लगा होता है। सर्विक्स होती है आपके यूट्रस का एंट्री पॉइंट। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक क्लब में घुसना चाहते हैं और एक बाउंसर बाहर खड़ा है जो आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो ये तो हो गया दीवार खड़ी करने का मेथड। इसे हम बैरियर मेथड बोलते हैं, यानी कि कॉन्डम्स और डायफ्राम। और इसके बाद आया एक और मेथड कि लड़का लड़की मिल तो लिए पर बच्चा अटकने से रोक दिया, यानी कि प्यार होने से रोक दिया। प्यार होने से कैसे रोका? प्यार होने से रोकने के लिए आपने अटैचमेंट यानी कि इम्प्लांटेशन रोक दिया। इसका मतलब ये कि एग और स्पर्म से मिलने से जो बच्चा बना उसको आप यूट्रस में चिपकने मत दें। अगर वो यूट्रस में चिपकेगा नहीं तो वो कभी बड़ा नहीं होगा, कभी बड़ा नहीं होगा तो प्रेगनेंसी वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो कॉन्ट्रासेप्शन तो हो ही गया भाई। तो ये करने का तरीका होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक डिवाइस होती है जिसे हम शॉर्ट में IUD बोलते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चे को यूट्रस में चिपकने से रोकती है, यानी कि अटैचमेंट होने से रोकती है, यानी कि प्यार होने से रोकती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं जो कि परमानेंट होता है। परमानेंट में ऐसा समझ लीजिए कि मुगले आजम को याद कर लीजिए, कहानी आपको वहीं पर समझ में आ जाएगी। जैसे कि मुगले आजम में अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाता है, वैसे एक परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है यानी कि वो ट्यूब जो यूट्रस को कनेक्ट करती है ओवरी से, जहां पे बेसिकली ये प्रेम मिलन होता है, उसको अगर आप बंद करा दें तो एग हमेशा ना फंसा रह जाएगा वहीं पर, बाहर आ ही नहीं पाएगा, स्पर्म से मिल ही नहीं पाएगा। जैसे कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया, वैसे ही ट्यूबेक्टोमी में आपने एग को फैलोपियन ट्यूब के अंदर चुनवा दिया। इसी तरह से हम कर सकते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में
आपने स्पर्म को यानी कि सलीम को दीवार में चुनवा दिया। सलीम को दीवार में आपने ऐसा चुनवाया जैसे कि स्पर्म का जो एग्जिट पॉइंट होता है, जो जिस रास्ते से वो बाहर निकलता है, उस रास्ते में यहाँ पे कट कर दीजिए तो स्पर्म कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। बाहर निकल नहीं पाएगा तो बच्चा भला कैसे बनेगा? बच्चा बनेगा नहीं तो कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप हो गया। तो ये हुए परमानेंट मेथड्स। इन परमानेंट मेथड्स को रिवर्स भी किया जा सकता है बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने बॉलीवुड के थ्रू समझा आज कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। आई होप आप वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करें एंड आई होप इससे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। अगर नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए और हम फिर से आपके क्वेश्चंस आंसर करते हैं। दिस इज डॉक्टर तनिया साइनिंग ऑफ। सी यू लेटर।